वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। चक्रवाती तूफान तौकते सोमवार रात गुजरात के सौराष्ट्र तट से टकरा गया और इस दौरान 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चली। तूफान का लैंडफॉल जारी है और इस वजह से राज्य के 14 जिले में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आज यानी 18 मई की सुबह से गुजरात में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश हुई है। सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं तो वहीं 11 लोगों की मौत हो गई है। अमरेली और भावनगर की ओर से होते हुए चक्रवाती तूफान तौकते अब लगभग गुजरात से गुजर ही गया है। वहीं तूफान का असर अभी भी बरकरार है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी है। एहतियातन सूरत एयरपोर्ट को आज यानी 18 मई की दोपहर 1 बजे तक बंद किया गया है। तूफान की वजह से अरब सागर में 2 बड़ी नौकाओं में 410 लोग फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए नौसेना के 3 जहाजों ने मोर्चा संभाल रखा है। गुजरात पहुंचने से पहले तौकते ने महाराष्ट्र के मुंबई में भी भारी तबाही मचाई है। तूफान के चलते मुंबई में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। तौकते तूफान से आई भयानक हवाएं, समंद्र की उठी ऊंची लहरें और फिर तेज बारिश में डूबा शहर। चक्रवाती तूफान तौकते मुंबई में भी तबाही के निशान जगह जगह छोड़ गया है। तूफान के अलर्ट के बीच ही संबंधित इलाकों में NDRF की टीमें पहले से तैनात कर दी गई थी, जो प्रभावित राज्यों में स्थिति सामान्य करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। NDRF के सभी कर्मी राहत कार्यों के बीच COVID-19 दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इस बीच मुंबई का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण केंद्र भी तबाह हो गया है। भारी संख्या में पेड़ों एवं बिजली के खंभों की भी क्षति हुई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नुकसान का आकलन किया और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कर्नाटका में भी तौकते तूफान ने कहर बरपाया है। राज्य के करीब 121 गांव इससे प्रभावित हैं। तबाही के दौरान 4 लोगों की मौत भी हुई है। तो ये था तौकते तूफान की वजह से राज्यों में हुए नुकसान पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस तूफान और कोविड पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी दे दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।